अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जाकिर और आप देख रहे हैं जाकिर पकवान शेफ। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आज हम बनाने जा रहे हैं चना चाट। चना चाट में हम कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये बनाना बहुत ही आसान है। चना चाट में सबसे पहले हमने लेने हैं उबली हुई चना। ये चना आप देख सकते हैं, ये मोटा चना है और ये 14 mm है। और इसके साथ हमने लिया है उबली हुई आलू, एक आलू हमने लिया है, ग्रीन चिल्ली ली है, थोड़े से टमाटर लिए, एक लेमन लिया है। और इसके साथ साथ हम इसमें खुश्क धनिया, काली मिर्च और थोड़ा सा सरका विनेगर मिलाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि प्याज को डाल लेना है। प्याज के बाद हमने मिलाना है टमाटर, टमाटर के साथ चिल्ली भी डाल लें। इसके बाद जो है आलू, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। आलू को हमने छोटा छोटा काटा हुआ है। अभी हमने इसमें कुछ धनिया मिलानी है, काली मिर्च और थोड़ा सा विनेगर, लेमन को हम लास्ट में मिलाएंगे। अभी हम इसमें जो है चने को डाल देंगे, थोड़ा सा अमचूर मिलाएं अगर अमचूर अवेलेबल है तो, हसबिजाय का साल्ट, नमक मिलाएं। हमारा बाउल थोड़ा छोटा है, अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें जो है थोड़ा सा लेमन मिलाएं, नींबू के साथ इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा। जी व्यूअर्स, जो चना चाट है वो तैयार हो गया है। अभी हम इसमें दही मिलाएंगे। कुछ लोग दही भी मिलाते हैं और कुछ लोग बगैर दही के खाते हैं, हम दोनों ट्राई करेंगे। दही के साथ जो है वो तैयार हो गए, और आप दही के बगैर भी अपने साथ रख सकते हैं। अगर कोई बगैर दही की पसंद है तो वो बगैर दही के खा सकता है। बहुत ही आसान है बनाने का तरीका। और व्यूअर्स, अगर मेरे चैनल पे कोई नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और बेल का आइकन लाजम क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिले। अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।